नेक्स्ट इज बड़े एक एग्जाम्पल करते हैं. एग्जाम्पल इस तरह का है कि आपके पास एक लेंस है. इस लेंस के एक तरफ बड़ा एयर है, इसका खुद का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा 3/2 है, और इसके राइट साइड में कोई और मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है. ठीक है, जो सरफेस है उसके दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है, बट दैट इज 20 सेंटीमीटर. और यहां कहीं बड़ा कोई ना कोई ऑब्जेक्ट, बड़ा यहां कहीं ना कोई ऑब्जेक्ट है. ऑब्जेक्ट के बड़ा यहां से डिस्टेंस है वो आपको 20 सेंटीमीटर गिवन है. सवाल बड़ा बहुत ही क्लियर सा है कि ना आपको बताना है कि फाइनल इमेज कहां बनेगी. फाइंड पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज, बड़ा फाइनल इमेज कहां बनेगी ये बताना है. बताते हैं बेटा फाइनल इमेज, बताते हैं बताते हैं. मैं एक बात क्लियर कर दूं कि जैसे लेंस के एक तरफ मीडियम अलग और दूसरी तरफ मीडियम अलग, बड़ा वैसे ही हमने जो फॉर्मूला याद कर रखे ना, बड़ा वो काम नहीं देंगे. मतलब 1/v-1/u=1/f काम नहीं देगा. लेकिन दोनों तरफ मीडियम अलग होते हैं तो हमने आपको बिल्कुल जब लेंस की बिल्कुल थ्योरी स्टार्ट हुई तो एक फॉर्मूला बताया था. आप बड़ा डायरेक्ट वो फॉर्मूला लगा सकते हो, बड़ा n3/v-n1/u=2n2-n1/r1+n3-n2/r2, इस तरह से फॉर्मूला लगा सकते हो, हमारा आंसर आ जाएगा. मैं फॉर्मूला लगाने के मूड में नहीं हूँ, मैं बड़ा इसको ऐसे सवाल करने के मूड में ही हूँ. मैं सिर्फ और सिर्फ ये बात समझाना चाहता हूँ कि बेटा ऐसे केस में आपके पास सीधा 1/v-1/u=1/f वैलिड नहीं है, इसके लिए पूरा करना ही पड़ेगा. तो भले ही ये लेंस हो लेकिन इसे ट्रीट इस तरह से करना है कि ये एक कर्व्ड सरफेस है जिसके एक तरफ एयर है, एक तरफ ग्लास है, फिर एक कर्व्ड सरफेस है जिसके एक तरफ ग्लास और एक तरफ कोई दूसरा मीडियम है. इस सरफेस को बड़ा मैंने सरफेस 1 बोल दिया और इस सरफेस को बड़ा मैंने सरफेस 2 बोल दिया. सरफेस 1 की बात करते हैं और मैं कहूं कि बड़ा इससे रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन बाय सरफेस 1. सुनना बेटा, इसके लिए बड़ा रेज यू आएंगे, ये वाले साइड प्लस और ये वाले साइड माइनस. N1 बड़ा जहां से रे आ रही है, N2 जहां रे जा रही है. स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला तुम जानते हो बेटा, दैट इज N2/v-N1/u, दैट इज इक्वल्स टू N2-N1/r. r है बेटा आपका +20. आई होप दैट्स ओके. दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1. पहली सरफेस से रिफ्रैक्शन के बाद जहां कहीं इमेज बनी बड़ा वो अगली सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट है. और बड़ा आप जानते हो कि लेंस की थिकनेस इतनी कम है कि यहां से डिस्टेंस निकालो और यहां से डिस्टेंस निकालो, बात मोर और लेस एक ही है. तो आप कह सकते हो कि नाउ रिफ्रैक्शन बाय सरफेस 2. साइन कन्वेंशन वही रहेगा, रेज इस तरफ आ रही है, ये साइड प्लस और वेल साइड माइनस, बस N1 N2 चेंज हो गए. अब N1 जहां से रे आ रही है 3/2, N2 बाहर जहां रे जा रही दैट इज 2. तो आप बोलोगे सर N2/v मतलब बड़ा फाइनली इमेज कहां बन रही वो वाला पॉइंट, -N1u. इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट वही है जो इस सरफेस के लिए इमेज का कोऑर्डिनेट था. तो आप कह सकते हो कि सर इसको v1 ही लिख देते हैं, एंड दैट इज इक्वल्स टू N2-N1, बड़ा वो तो हाफ ही आ गया, डिवाइड बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर. बड़ा रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये सरफेस है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर -20. बेटा -20, दिस इज माई इक्वेशन. बड़ा हमारा इंटरेस्ट ना इस 3/2 v1 के अंदर तो बिल्कुल नहीं है, मतलब v1 में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है. हमारा इंटरेस्ट बड़ा सिर्फ और सिर्फ इस v के अंदर. बड़ा इस v में अगर इंटरेस्ट है तो क्या करें, बड़ा एक काम कर दीजिए, बड़ा इन इक्वेशन को एक बार करिए ऐड कर दीजिए. बड़ा जैसे मैंने इन दोनों इक्वेशन को ऐड किया, बड़ा मेरे पास ये वाला टर्म और ये वाला टर्म बड़ा गायब, मेरे पास आ गया 2/v+1/20 is equals to 1/40 -1/40. बड़ा इससे मेरे पास आ गया 2/v is -1/20 और v की वैल्यू बड़ा मेरे पास आ गई है -40 सेंटीमीटर.
तो इमेज जो होगी बेटा माइनस 40 सेंटीमीटर पर बनेगी, बेटा इमेज जो होगी बेटा माइनस 40 सेंटीमीटर पर बनेगी। आई होप यू गेट द पॉइंट। थोड़ा इस तरह से बेटा बड़े आराम से हम इस तरह से इमेज की पोजीशन निकाल सकते हैं। इसके लिए कोई डायरेक्ट फॉर्मूला ऐसा नहीं बन पाएगा बेटा जैसे अपन सोच के चलते ना कि 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f, बट वो सिर्फ तभी वैलिड होता है जब इस तरफ मीडियम और इस तरफ मीडियम सेम हो, अदरवाइज थोड़ा हमें इसी तरह से करना पड़ता है। एक और बड़ा एक छोटा सवाल और करते हैं, बढ़िया सवाल है, आराम आराम से इस बात को सुनना। सुनिए बेटा, एग्जाम्पल लिया बड़ा, ये आपके पास एक लेंस, इस लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा 3/2 है, इस तरफ एयर है जहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, इधर बड़ा वाटर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, ये दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर बट आपके पास 40 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। और हमें ये बोल दिया गया है कि आपको इस लेंस की फोकल लेंथ निकालनी है। ये सवाल है बेटा कि इस लेंस की फोकल लेंथ निकालनी है। मैं इस सवाल को एक बार लिख भी देता हूं, फाइंड फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस। अगर इस तरफ भी एयर होता, इस तरफ भी एयर होता, फॉर्मूला हमारे पास तैयार था, इस तरफ भी वाटर हो, इस तरफ भी वाटर बड़ा, तब भी फॉर्मूला तैयार था, लेकिन बेटा इस तरफ एयर और इस तरफ वाटर है बेटा, ऐसे केस में फॉर्मूला तैयार नहीं है। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि इस तरह के सिस्टम की फोकल लेंथ डिफाइंड ही नहीं है। भाई फोकल लेंथ तो तब डिफाइंड होगी ना यार जब आप उस फोकल लेंथ को यूज करके 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f के अंदर रख सको। और हम जानते हैं कि जब भी इस तरफ मीडियम और इस तरफ मीडियम अलग होता है बड़ा, वैसे हमारा 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f तो वैलिड ही नहीं है। तो सच्चाई तो यह है कि बड़ा इस अरेंजमेंट की फोकल लेंथ डिफाइंड नहीं है, बट बुक्स में, कई बुक्स में बड़ा फोकल लेंथ पूछ रखी होती है, जी बताओ फोकल लेंथ कितनी है। सर फोकल लेंथ डिफाइंड नहीं है उसके बावजूद पूछ रखी होती है, हाँ बड़ा पूछ रखी होती है। तो सर हम कैसे निकालें? उस केस में जो फोकल लेंथ पूछ रहा है वो एक्चुअली ये जानना चाहता है कि इस अरेंजमेंट पर अगर आपने पैरेलल रेज गिरा दी तो वो कहाँ कन्वर्ज होंगी। उस डिस्टेंस को उन्होंने फोकल लेंथ बोलना स्टार्ट कर दिया है, बट इट डजंट मीन कि उस फोकल लेंथ को आप यूज करके 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f में रख दो, वहां काम नहीं देगी बेटा। तो अगर कभी इस तरह के सवाल के अंदर किसी ने गलती से, मैं ये बात जानबूझ के इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बड़ा बार बार अलग अलग बुक्स के अंदर इस तरह से फोकल लेंथ पूछ रखी होती है, तो अगर किसी ने इस तरह से फोकल लेंथ पूछ रखी है तो बड़ा ऐसे मत कह देना कि सर डिफाइंड ही नहीं है। बात आपकी सही है बड़ा, डिफाइंड नहीं है, बट अगर पूछ रखी है तो आपको एक काम करना है, पैरेलल रेज भेज दो। ये पैरेलल रेज बड़ा रिफ्रैक्शन के बाद जिस पॉइंट पर मीट करेंगी उस पॉइंट की लेंस डिस्टेंस होगी, उसको हम फोकल लेंथ कह देंगे यार। सिंपल सी बात है, ऐसे करेंगे बन। लेकिन इसका यार बिल्कुल नहीं है कि उस लेंथ को यूज करके बड़ा हम 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f में यूज कर लें, बड़ा वहां काम नहीं देगी। तो चलिए बेटा मैं फोकल लेंथ निकालने की कोशिश करता हूं, और फोकल लेंथ निकालने के लिए मैं एक बार ना रेज इधर से आते मान रहा हूं, रेज को मैं इधर से आते मान रहा हूं, ये मेरा केस वन है। केस वन बेटा मैंने रेज को इधर से आते माना है, वो बड़ा पैरेलल रेज है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज है। पहले इस सरफेस से रिफ्रैक्शन, फिर इस सरफेस से रिफ्रैक्शन, N1 जहां से रे आ रही है, N2 जहां रे जा रही है, ये साइड प्लस ये साइड माइनस, आराम से कीजिए बेटा। 3/2 V1 माइनस जहां से रे आ रही है 1, यू की वैल्यू बेटा आप जानते हो इन्फिनिटी, दैट इज इक्वल्स टू N2 माइनस N1 हाफ अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर, बट रेडियस ऑफ कर्वेचर कम्स आउट बी 1/, रेडियस ऑफ कर्वेचर कम्स आउट बी प्लस 40, ठीक है ना। इस सरफेस ने जहां कहीं इमेज बनाई बेटा वो इस सरफेस के लिए कैसे एक्ट करेगी, ऑब्जेक्ट, फिर से रिफ्रैक्शन है, किससे, कर्व्ड सरफेस से, N1 कौन जहां से रे आ रही है, N2 कौन जहां रे जा रही है, तो आप बोल देना 4/3 upon v, ये बेटा आपकी फाइनल इमेज है, माइनस N1 कौन बेटा 3/2, सर ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट, इसके लिए जो इमेज बड़ा, इसके लिए वो ऑब्जेक्ट, थिकनेस बड़ा बहुत कम होती है बड़ा, हम मान के बैठे हैं उसको, तो दैट इज V1 एंड दैट इज इक्वल्स टू 4/3 minus 3/2 upon r, r बड़ा प्लस 40 है माइनस 40, तो यू कुड से दैट इज माइनस 40, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2।
इस इक्वेशन नंबर टू को और थोड़ा ढंग से लिखो बेटा, 4 बाई थ्री वी माइनस 3 बाई टू वी वन इज इक्वल्स टू 8 माइनस 9 बेटा कितना आ गया माइनस 1 बाई सिक्स, माइनस माइनस कैंसिल बेटा 1/240 आ गया होगा शायद, एक बार बेटा कैलकुलेशन फिर से चेक करना, दैट इज 8 माइनस 9 बड़ा ऊपर तो माइनस 1/6 बार माइनस माइनस कैंसिल बेटा 240 आएगा। बेटा हमारा इंटरेस्ट किस में, हमारा इंटरेस्ट इसमें बिल्कुल नहीं कि बीच वाले सरफेस इमेज कहाँ बनाई, फाइनल इमेज कहाँ बनाई उसमें इंटरेस्ट है। तो बेटा जी मुझे ये वी वन नहीं चाहिए, इक्वेशन वन को और इक्वेशन टू को ऐड कर लो, और जैसे मैंने इक्वेशन वन को और टू को ऐड किया बेटा मेरे पास ये फॉर्मूला आ गया 4/3 वी माइनस 1/∞ इज इक्वल्स टू 1/80 प्लस 1/240। 1/∞ बेटा आपका जीरो हो गया, 4/3 वी इज इक्वल्स टू 240 तो बेटा आपका एलसीएम बड़ा ये 3+1 बड़ा मेरे पास आ गया 4/3 वी इज इक्वल्स टू 4/240 बड़ा वी इज इक्वल्स टू आ गया 80 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये रेज रिफ्रैक्ट वगैरह होने के बाद बड़ा फाइनली रेज जाएंगी ऐसे। इसका मतलब अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो जो इमेज है बेटा वो आपकी प्लस 80 सेंटीमीटर पे है, तो आप कह सकते हो कि सर इसकी फोकल लेंथ 80 सेंटीमीटर है, पूछा है बेटा इसलिए बोल रहे हैं 80 सेंटीमीटर है। अदरवाइज हम जानते हैं कि ऐसा नहीं कि बेटा अब हम उसको बोल देंगे सर 1/v - 1/u = 1/f और f को 80 लिख लिया, ना ना बेटा ये फॉर्मूला काम नहीं देगा। जब मीडियम इस तरफ अलग और मीडियम इस तरफ अलग बेटा फिर फॉर्मूला अलग था, याद करो शुरुआत बता रखा है n3/v - n1/u = n2 - n1/r1 n3 - n2/r2, वो फॉर्मूला काम देगा। थोड़ा फोकल लेंथ तो डिफाइन ही नहीं है, लेकिन कई बुक्स में पूछ रखी होती है, थोड़ा ऐसे केस में आपको पता होना चाहिए कि हाँ ऐसे इसको हम निकाल सकते हैं। कोई बच्चा कहते हैं कि सर मान ली आपकी बात, सर कैलकुलेशन आसान थी, बढ़िया हो गया, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन सर आपने रेस को इधर जाते हुए क्यों माना, रेस सर इधर आएंगी तो बड़ा आएंगी तो निकाल लेंगे फिर से निकाल लेंगे, सर फोकल लेंथ सेम आए जरूरी है क्या, नहीं बेटा बिल्कुल जरूरी नहीं है। सर तब तो सेम आई थी जब इस तरफ भी एयर था और इस तरफ भी एयर था, बड़ा तब सारा सिस्टम सिमेट्रिक था इसलिए इधर से रे आई और इधर से रे आई, फोकल लेंथ सेम आती थी। इस बार बड़ा लेफ्ट और राइट डायरेक्शंस एक जैसी नहीं है, तो जरूरी नहीं है कि बड़ा फोकल लेंथ वही आए, ऐसा हो सकता है कि बड़ा फोकल लेंथ कुछ और आए। तो चलिए बेटा अगर इसमें कोई मुझसे पूछ रहे कि सर कोई और कोई केस बन सकता है क्या, बड़ा बिल्कुल बन सकता है। कौन सा केस है बड़ा देखना, एक केस और बन सकता है बड़ा, दूसरा केस लिखते हैं बेटा। आपके पास ये रहा मेरे बच्चे लेंस, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2, इस तरफ बेटा वाटर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, बेटा ये एयर, दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर बेटा मुझे याद है शायद 40 सेंटीमीटर थे। और कोई बच्चा बोल दे सर इस बार वो वाला केस लो कि रेज जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, लेकिन सर वाटर से आ रही है, सर अब फोकल लेंथ निकाल सकते हो क्या, बेटा क्यों नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं, भले ही वो फोकल लेंथ यूजफुल ना हो हमारे लिए, लेकिन सवाल में अगर पूछेंगे तो निकाल तो लेंगे अपन यार, है ना। तो चलिए बेटा अब अगर कोई फोकल लेंथ पूछ रहा है तो बेटा इसका मतलब वो जानना चाहता है कि ये पैरेलल आती हुई रेस कौन से पॉइंट पर कन्वर्ज या डाइवर्ज होंगी। लेट्स सी, तो बेटा आवर केस टू, केस वन में हमने रेस यूं आते मानी, केस टू में हम रेस यूं जाते मान रहे हैं, चलेगा। चलो बेटा रेज यूं जा रही है तो ये वाली साइड प्लस बेटा ये वाली साइड माइनस, एन वन कौन जहां से रे आ रही है, एन टू कौन जहां रे जा रही है, फॉर्मूला क्या बेटा, एन टू बाई वी माइनस एन वन अपॉन यू, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से आ रही है एंड दैट इज इक्वल्स टू एन टू माइनस एन वन अपॉन आर, आर बेटा पॉजिटिव में है, पोस्ट पे कितना है 40, ठीक है ना। थोड़ा सिंप्लीफाई करो इसको बेटा, 3/2 × v1 - 4/∞ लिखो बेटा इसको, दैट इज इक्वल्स टू 9 - 8 बेटा कितना हो गया वो 1/6 / 1/240 आ गया बेटा वापस। दिस इज माई इक्वेशन नंबर वन एज वेल एज दिस इज माई इक्वेशन नंबर वन। दूसरी इक्वेशन, इस सरफेस ने जहां कहीं इमेज बनाई बड़ा वो इस सरफेस के लिए क्या है, ऑब्जेक्ट।
बेटा एन वन एन टू चेंज हो गए, अब एन वन जहां से रे आ रही है, एन टू जहां रे जा रही है, वन अपॉन वी एन वन, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, एन टू बाई वी एन वन अपॉन यू, यू मतलब बेटा ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट, पहले वाले रिफ्रेक्शन के लिए जहां पर इमेज है बेटा वो अगले रिफ्रेक्शन के लिए वहीं पर आपकी ऑब्जेक्ट है, एंड दैट इज इक्वल्स टू एन टू माइनस एन वन, बेटा मेरे ख्याल से माइनस हाफ आ गया, सीधा लिख दो बेटा अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर, बेटा रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो बेटा इसको माइनस 40 लिखना, बेटा इसको लिख सकता हूँ 1 बाई वी माइनस 3 अपॉन 2v1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 80, बेटा दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। और बेटा मुझे क्या चाहिए, आप बोले सर v1 तो बिल्कुल नहीं चाहिए, सर आपको तो फाइनल इमेज कहाँ बनी वो चाहिए जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो, ठीक बेटा दोनों इक्वेशंस को ऐड किया, बेटा जैसे मैंने इक्वेशन 1 को 2 को ऐड किया, बेटा मेरे पास आ गया 1 बाई वी माइनस 4 अपॉन इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 240 प्लस 1 अपॉन 80, बेटा मेरे पास आ गया 1 बाई वी इज इक्वल्स टू 240, बेटा एलसीएम लेना 1 प्लस 3, बेटा v की वैल्यू कम्स आउट टू बी 60 सेंटीमीटर, तो बेटा इमेज कहाँ बनेगी, बेटा इमेज बनेगी बेटा v इज इक्वल्स टू 60 सेंटीमीटर, तो रेस जो आएंगी बेटा वो रेस चलते 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 ऐसे आ जाएगी, बेटा रेस चलते चलते यहाँ बेटा v कम्स आउट टू बी 60 सेंटीमीटर, बेटा यहाँ कहीं आपकी इमेज, बड़ा ये केस वन के लिए बड़ा यहां पर, और ये जो डिस्टेंस है बड़ा यही आपकी फोकल लेंथ है, तो इधर के लिए बड़ा फोकल लेंथ भी निकाल सकते हैं, इधर के लिए भी बड़ा हम फोकल लेंथ बड़े आराम से निकाल सकते हैं, तो बड़ा ये अपने पास एक छोटा सा केस हो गया। और ऐसे में आप कहो कि सर क्या मैं इस फोकल लेंथ को सर मैं 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ में यूज कर सकता हूँ क्या, नहीं बेटा बिल्कुल नहीं कर सकते, सर फिर निकालें क्यों, बेटा कहा ना सवाल में पूछ रखा था तो मजबूरी थी हमारा निकालना, तो ऐसे किसी सवाल के अंदर अगर मान लो पूछ रखा होगा तो हमारे पास क्या चारा बचता है, बेटा यही चारा बचता है कि हम लोग ऐसे इसको पुट कर दें, ठीक है ना। आगे चलिए, एक छोटी सी इन्फॉर्मेटिव बात और बता रहा हूँ बेटा, मैं उसका प्रूफ वगैरह बिल्कुल नहीं बता रहा हूँ और ना ही उसका यूज़ है बेटा, कहीं किसी प्रकार का कोई यूज़ नहीं है, बल्कि मुझे कई बार ऐसा लगता है कि इस फॉर्मूले को याद करने से इस फॉर्मूले को लगाने से बच्चे ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं, बट स्टिल मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूँ बेटा, कभी कहीं काम आ जाए तो लगा देना यार, है ना। अगर मान लो कभी ऐसा हो, अगर मान लीजिए बेटा कभी ऐसा हो कि आपके पास दो लेंसेज हो, एक की फोकल लेंथ हो f1, दूसरे की फोकल लेंथ हो f2, दोनों के बीच में बड़ा सेपरेशन हो d, और इस सारे के सारे अरेंजमेंट की इक्विवेलेंट फोकल लेंथ पूछ ले, थोड़ा मैं पहले बोल दूं कि इस तरह के अरेंजमेंट की इक्विवेलेंट फोकल लेंथ वगैरह कोई बेसिक सेंस नहीं है, क्लियर सी बात है बेटा, बल्कि इस तरह के सवालों को करा चुका हूँ, ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं थोड़ा उसकी इमेज यहाँ कहीं, जो इमेज होगी बड़ा इस लेंस से लेके होगी ऑब्जेक्ट, हम बड़े आराम से सवाल करते हैं वैसे ही करने हैं। लेकिन अगर कोई पूछ ले कि सर इस तरह के अरेंजमेंट की इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या होगी, तो बड़ा मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ, प्रूफ नहीं कर रहा हूँ, ना ही ज़रूरी है, ना ही इसको बहुत ज़्यादा अननेसेसरी इस फॉर्मूले को यूज़ करना है, नहीं यूज़ करना बेटा, ये तो बड़ा किसी एक दो जगह कहीं सवाल दे रखे होते हैं इसलिए मैं लिख रहा हूँ, नहीं यूज करना है। तो सर कैसे करना है बड़ा, जैसे आज तक सवाल करते हैं अपने सवाल निपटा रखे हैं, इसके यहाँ पर ऑब्जेक्ट इमेज बड़ा यहाँ कहीं, ये इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट, दो बार बड़ा 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ फॉर्मूला लगाओ, और कहाँ कहाँ ऑब्जेक्ट तो कहाँ कहाँ इमेज, सारे काम बड़े आराम से करने आते हैं, हमने किए भी हैं। चलिए बेटा फिर मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ, यूज नहीं करना है, किसी स्पेसिफिक सवाल में आ जाए तो बड़ा ठीक है, अदरवाइज नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। फॉर्मूला इज समथिंग लाइक दिस, 1 अपॉन एफ वन प्लस 1 अपॉन एफ टू माइनस डी टाइम्स एफ वन एफ टू, जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ इस तरह के बड़ा जो सवाल होते हैं उनके इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का बड़ा फॉर्मूला होता है 1 अपॉन एफ वन प्लस 1 अपॉन एफ टू माइनस डी अपॉन एफ वन एफ टू, यू डोंट हैव टू इवन रिमेंबर दैट, ठीक है ना, मैंने ऐसे बोल दिया यार ना, ऐसे नहीं पता लगा कि लिख के मैंने ज़्यादा कन्फ्यूज कर दिया। अगर मान लो ये d टेंडिंग टुवर्ड 0 हो जाए, मतलब दोनों लेंस चिपक जाएं,
तो डी जैसे जीरो हो गया, ए वाली टर्म निपट गई, फिर बट आपके पास फॉर्मूला वही आ गया जो मैंने आज तक पढ़ रखा था कि वन अपॉन एफ इक्विवेलेंट इक्वल्स टू वन अपॉन एफ वन प्लस वन अपॉन एफ टू। वो हमारे काम का है, ये हमारे इतने काम का नहीं है। ये बेटा थोड़ा पढ़ना हमारी ऐसे ठीक है, एक मजबूरी टाइप ही है, क्योंकि एक का दुक्का सवाल इस पर कभी आ गया तो हल्का फुल्का पता होना चाहिए। अननेसेसरी इसको वेटेज नहीं देना है, ये हमारे कई सवालों को गलत कर सकता है, ये वाला फॉर्मूला हमारे कई सवालों को गलत करा सकता है। बेटा हम तो सवालों को ऐसे ही करेंगे, जब भी सवाल आएंगे इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ, ये जो ऑब्जेक्ट होगी सॉरी जो इमेज होगी वो अगले के लिए क्या हो जाएगी, ऑब्जेक्ट, और दो बार वन बाई वी माइनस वन बाई यूज वन अपॉन एफ लगाना है। सिंपल, बिल्कुल ऐसे काम करना है जिस मैंने कहा है, अपने हिसाब से नहीं करना है। ठीक है, आगे चलिए।